समय एक जंगल में विक्रम नाम का एक शेर रहता था। बहुत क्रूर और घमंड वाला शेर था वो। जंगल में बाकी जानवरों को बेरहमी से मारना उसका काम था। डरे हुए जानवरों ने विक्रम शेर से एक समझौता करने का फैसला किया। हमें बेरहमी से मत मारिए। हर दिन हमसे कोई आपके पास आपका भोजन बनकर आएगा। दिन बीतने लगे। हर दिन एक जानवर विक्रम का भोजन बना। बंदर, हिरन, गाय सब विक्रम के भोजन बने। उस दिन एक खरगोश की बारी थी। जाने से विक्रम मुझे मार खाएगा, नहीं जाने से बाकी जानवरों को परेशान करेगा। मुझे कुछ करना होगा। सोचते सोचते वो चलने लगा। तब उसने एक कुएं को देखा। उसने कुएं के अंदर झांका और पानी में अपनी ही झलक देखकर उसे तुरंत एक ख्याल आया। विक्रम को मारने के लिए यही अच्छा तरीका है सोचकर उसकी ओर बढ़ने लगा। इतनी देर तुम कहाँ थे? तुम्हें पता नहीं मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है? यहाँ आओ, मेरे सामने खड़े हो जाओ। कृपा करके मेरी बात सुनिए। आते वक्त मुझे एक और शेर ने रोका और कहा, इस जंगल का राजा वो ही है। उससे बचकर निकलने में देर हो गई। विक्रम को बहुत गुस्सा आया और गुस्से से गरजने लगा। क्या इस जंगल का राजा वो है? उसे मारने के बाद ही मैं तुम्हें खाऊंगा। खरगोश की चाल सच हुई और वो दोनों कुएं की तरफ बढ़ने लगे। वो उस कुएं के अंदर रहता है। विक्रम ने कुएं के अंदर झांका और पानी में अपनी ही झलक देखी। विक्रम ने गुस्से से गरजने लगा। फिर बिना सोचे समझे उसने कुएं में छलांग मारी। उसे देखकर खरगोश खुशी से कूद पड़ा। फिर वहां से भागकर जानवरों को सारी बात बताई। सभी जानवर बहुत खुश हुए और उसे बधाई दी।